वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो वी आर डूइंग मीशो फुटवेयर हॉल, वो भी बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली अंडर 500 रुपीस। सो या दिस वीडियो गोना बी रियली हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी सा मैं आपके साथ में फुटवेयर शेयर करने वाली हूँ। प्रिंसेस टाइप सिंड्रेला काइंड ऑफ सिंड्रेला वाला फुटवेयर भी मैंने इसमें ऐड किया है, तो प्लीज मेक श्योर पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इफ यू न्यू टू माई चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई मेक ब्यूटी हॉल फैशन एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड कॉन्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विद पैकेजिंग। पैकेजिंग मुझे ऐसी कुछ पैकेजिंग में आए हैं सारे फुटवेयर, जितने भी फुटवेयर मैंने ऑर्डर किया है। ये जो नॉर्मल सी पैकेजिंग होती है ना, जो हम लोग शॉप में जाके फुटवेयर लेते हैं, बिल्कुल ही वही सस्ती सी पैकेजिंग है और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग आई ऑर्डर्ड इज अ ब्लैक सैंडल। ठीक है, ब्लैक सैंडल मैंने ये देख के ऑर्डर किया। ये मुझे बहुत ही ज्यादा शीक और क्लासी लगा। अब आया के साथ में मैक्सी ड्रेसेस के साथ या लॉन्ग गाउन के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जब पॉइंटेड वाली हील्स पहनते, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। आई विल शो यू व्हाट आई रिसीव। दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड। ठीक है, जैसा मुझे पिक्चर में दिख रहा था, आई विल शो यू द पिक्चर हियर, जैसा मुझे पिक्चर में दिख रहा था बिल्कुल ही वैसा रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छा है। इसकी हील्स यू गाइस कैन सी एकदम पॉइंटी पॉइंटी हील्स। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस हील, यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, बहुत अच्छा लगता है। ओकेशनल वेयर में ऑब्वियसली, रैंडम डेली वेयर के लिए तो नहीं है, मतलब ओकेशनल वेयर ऑफिस वेयर कुछ ऐसा शीक लुक क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे जो सैंडल से बहुत अच्छा लगता है। और ये पहनने के बाद ही ना बहुत ही अच्छा फील होता है, लाइक हाइटेड, यू नो आई एम जस्ट 5'1", सो आई इन्वेस्ट इन हील्स। सो या दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके ऊपर ऐसा आपको टेक्सचर मिल जाता है, एकदम बहुत ही प्यारा सा है। यू नो गाइस कैन सी इसमें ऐसा डिजाइन बना हुआ है, बाकी अंदर ना कोई लेबल लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, दिखने में बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस लग रहा है। एंड नाउ लेट्स सी पहनने के बाद कैसे लगता है। After wearing, overall look कुछ ऐसा लग रहा है। This is how it looks. It looks very pretty और आपके हर outfit के साथ चले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके maxi dresses, long gown, ऐसे कुछ dresses में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा with abayas। बहुत ही ज़्यादा kitten sort of इसकी heels है, pointy है। And but the only problem I have is size issue। मैंने size order किया था 5, still मुझे थोड़ा सा loose है, जो मेरा exact size है उससे मुझे थोड़ा सा loose हो रहा है, तो only problem I have is this। थोड़ा सा लूज है, ठीक है, बिकॉज या 38 साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा। जैसे मुझे हाथ में रिसीव हुआ, आई वाज लाइक हाँ ये मुझे बड़ा है, एंड इट इज, इट्स लिटिल बिट बिगर टू मी। बट अगर मैं इसको सॉक्स के साथ में पहनूंगी तो सही होगा, बट कौन इतनी मेहनत करता है। एंड इफ यू आर समवन जो ऐसे शूज सॉक्स के साथ पहन सकते हो, तो या यू गाइस कैन ट्राई इट आउट सेम साइज में, बट इफ नॉट देन गो वन साइज स्मॉलर ये वाले शूज में। ठीक है, ये वाले जो सैंडल, इसमें एक वन साइज स्मॉल पे चले जाना। और वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल हील है, ऐसा नहीं कि टूटने का आपको कोई डर रहेगा। नो, इट्स रियली गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी है फॉर द प्राइस वी आर पेइंग, क्वालिटी इज अमेजिंग। डू गिव दिस अ ट्राई, ऐसा एक हील आपके पास होना ही चाहिए आपके क्लोजेट में, आपके सारा यू नो आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड या दिस इज अ मस्ट हैव। इसकी जो ये पॉइंटेड है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सैंडल्स में से, बहुत अच्छा लुक और बहुत यू नो लग्जूरियस एक्सपेंसिव लुक देता है। सो डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड इज दिस वन। ये एक शू है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। इट इज़ लाइक मुझे लग रहा ही नहीं था कि 400 के अराउंड है ये। इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, बट इतने सस्ते में अगर मुझे ये दिख गया था, आई वॉज लाइक I have to try this out, तो मैंने ये परचेज किया है। एंड इसमें बहुत ज्यादा कलर्स भी थे, बट आई ordered दिस पिंक वन। नाउ लेट्स सी what वी received। दिस इज what वी received, दिस इज हाउ इट looks। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यू गाइस कैन सी पीछे से आपको पूरा वाइट मिल जाता है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको गंदा नहीं करना है। ऐसा सेम जो शू है मेरी डॉटर के पास है, एंड ये बहुत ही अच्छा है लाइक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अगर ये आपको बच्चों के लिए भी मिलता है ना, डू गिव दिस अ ट्राई, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। या परचेस करो, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा है। दिस माई साइज इज 5 और लाइक नॉर्मली आई सिलेक्ट 38 और 5, ऐसे ही मैं इसको शूज सारे जितने मैंने ये वीडियो में आपको शूज सैंडल दिखा रही हूँ, सारा इज इन द साइज 5 विच इज साइज 38। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। पीछे आपको साइज दिया गया है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छी लगते हैं पहनने के बाद में। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, उससे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है, आप प्लीज जूम करके देखो,
ये ना बहुत ही कोई हाई और लग्जूरियस वाला लुक देता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड लगता है। एंड नाउ लेट्स सी पहनने के बाद कैसा लगता है। दिस इज अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट आपको जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, हर चीज के लिए। बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट है और दिखने में भी अच्छा लगता है। लुक्स आर ऑल्सो गुड, सो डेफिनेटली डू गिव दिस अ ट्राई। ऑल्सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड इज अ वेरी ट्रेंडी ग्लास का, यू नो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ग्लास वाला सैंडल। दिस इज वॉट आई ऑर्डर्ड। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर कर लिया था, लाइक ईद के टाइम पे, यू नो लास्ट ईद, अभी नई ईद आने वाली, वापस ईद आने वाली है। लाइक इट्स अराउंड 1 ईयर मैं ये यूज कर रही हूँ। एंड आई शो यू गाइज वट आई रिसीव्ड। ये मैंने ऑर्डर किया था अगेन इन द सेम साइज। नाउ आई शो यू वट आई रिसीव्ड is what I received। आपने ये Instagram पे Pinterest पे देखा ही होगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा हील है, ठीक है, ये आपको न्यूड कलर में मिल जाता है और यहाँ पे आपको ना लाइक प्लास्टिक जैसा सॉर्ट ऑफ मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है, जो हम लोग पहले जो उसको बुक्स की कवर होती थी ना लैमिनेशन सॉर्ट, वैसे ही कुछ मटेरियल है लैमिनेशन वाला। और इसकी हील्स कुछ ऐसी लगती है, यहाँ पे आपको ना एक हीला टुका हुआ जैसा लगेगा, बट दैट डजंट मैटर, ठीक है। लुक्स ओवरऑल इसका बहुत अच्छा है। ज़ारा H&M में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है एंड ये आपको कहीं पे इतना सस्ता नहीं मिलेगा, लाइक हर आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। एंड इसकी हील्स थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, आई एम 5'1" सो आई वेयर दिस हील्स, मुझे मेरे पे बहुत सही लगता है। बट या अगर आप बहुत ज्यादा हाइटेड हो तो कीप दिस इन माइंड, इसमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाइट है इसकी। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लगता है, कीप वॉचिंग। सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग, बहुत ही प्रिटी लगता है। दिस गिव एन इल्यूजन ऑफ हाइटेड पर्सन, मतलब ये पहनने के बाद ऐसा लगता ही नहीं आपने हील्स पहनी है, ऐसे लगता है कि आपके खुद के पैर है। और ये ग्लास बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम प्रिंसेस वाला वाइब देता है, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस वाला फील आता है। कम्फर्ट लेवल इसका 10/10 है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मैं यहाँ पर आपको चल के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी छोटी सी स्पेस में, बट या बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड एकदम आपके स्किन के जैसे ही दिखती है। After this one, I ordered similar वाला sandal, like similar sandal I ordered which looks like this. ये थोड़ा सा you know ethnic wear के साथ में बहुत अच्छा fit बैठेगा और ये again इसके जो heels है वो glass heels है. So I ordered this one and I'll show you what I received. ये कुछ ऐसे लगता है, सेम एज पिक्चर, वेरी ट्रू टू पिक्चर, यू गाइस कैन सी वेरी ट्रू टू पिक्चर, कलर भी एग्जैक्ट सेम आया है और इसकी हील्स यू गाइस कैन सी कुछ ऐसी लगती है, ठीक है, एकदम ग्लास हील है, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर भी ना ऐसा किला टुका हुआ जैसा लगता है, दिखता है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, बट दैट डजेंट मैटर, उतना दिखता नहीं है। और ओवरऑल इट्स वेरी गुड और बहुत ही यू नो कम प्राइस में आपको ये पड़ जाता है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगता है। पहनने के बाद कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो यार पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक और वाइट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर सिलेक्ट किया है, लाइक मुझे ये कलर ज़्यादा बेटर लगा। आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। कम्फर्ट इसका 10/10 है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, आप देख सकते हो। आपको पता है मैं बेस्ट प्रोडक्ट लास्ट के लिए सेव करके रखती हूँ, तो मैंने एक सिंड्रेला सॉर्ट ऑफ मैंने एक सैंडल ऑर्डर किया है जो 2 कलर्स में था, सिल्वर में भी था, गोल्डन में भी था, बट मैंने ये वीडियो के लिए गोल्डन सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे सारे आउटफिट के साथ में गोल्डन आराम से चले जाता है। सो आई ऑर्डर्ड दिस वन, ये भी मुझे बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ गया, इसका रेट मैं यहाँ पे दे दूंगी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सो दिस इज वॉट आई ऑर्डर्ड एंड दिस इज वॉट आई रिसीव्ड। वाओ, ये एकदम ही सिंड्रेला वाला सैंडल है, बहुत ही कोई प्यारा आया है। और इसकी जो हील्स है वो कुछ ऐसी है, यू गाइस कैन सी, वेरी ट्रू टू पिक्चर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और आपको कोई भी यू नो शादी सीजन में दिस इज बेस्ट, बेस्ट फॉर ब्राइडल वेयर, ब्राइड्स के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ब्राइड्स मेड यू नो गेस्ट के लिए भी अच्छा है। लाइक मेरे तो हर आउटफिट के साथ में जा रहा है, तो मैं तो डेफिनेटली इसको ट्राई करूंगी। इसमें जो ग्लिटर्स है ना, पूरा ग्लिटर का वर्क है एंड ग्लिटर ज्यादा चंकी नहीं है, लाइक या इट इज किंडा चंकी। इसमें से आपको मैं ग्लिटर पार्टिकल्स थोड़े बहुत छूटे हैं,
ठीक है, पर ये बहुत अच्छा लगता है, इट्स वर्थ। अगर छूटेगा भी ना तो उतना नहीं छूटेगा, क्वालिटी लुक्स प्रॉमिसिंग, मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारा है। और इसमें सिल्वर कलर भी है, यहाँ पे मैं दे दूंगी, सिल्वर कलर भी है, तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से ले सकते हो, इट इज अ मस्ट हैव। मतलब ब्राइडल्स के लिए तो ब्राइडल वेयर तो बेस्ट है ये, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम प्रिंसेस सिंड्रेला वाला यू नो शूज, स्नो व्हाइट वाला वैसा शूज है कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहनने के बाद कैसा लगता है मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, सो कीप वॉचिंग। सो गाइज आफ्टर वेयरिंग ये कुछ ऐसे लगता है, यू गाइज कैन सी इन डिटेल कि कितना प्यारा लग रहा है, यू गाइज कैन सी। ऑल्सो इसमें सिल्वर कलर भी अवेलेबल है, सो इंस्टेड अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आता है तो आप दूसरा कलर भी अपने ड्रेस से मैचिंग पहन सकते हो, एंड कम्फर्ट लेवल इज 10/10। इसकी हील बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अ वेरी मीडियम सॉर्ट ऑफ हील, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हाइट नहीं देता है, पर या इट्स अ वेरी बेसिक हील। डू गिव दिस अ ट्राई, यू गाइज वुड नेवर रिग्रेट दिस परचेज। Yeah, that's it for this video. I really hope you guys enjoyed this video. Make sure to subscribe to my channel for more such videos. And next, मैं क्या you know haul बनाऊँ? Make sure to comment down और आपको और कैसे video आप देखना चाहोगे? Comment down and help me with my content. So yeah, अच्छे-अच्छे content डालते रहूँगी. आप comment करते रहना. आपको क्या देखना पसंद है? And we'll meet in our next video. तब तक के लिए subscribe करो, like करो, share करो, सब करो, bye. Love you.